दोस्तों कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो को लेकर, और आज की वीडियो में हम लोग फोकस मोड के बारे में जानेंगे। हमारे फ़ोन में एक फोकस मोड होता है, इसका क्या काम है और कैसे ये वर्क करता है, कहाँ पर मिलता है, आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया है। तो जो लोग जानते हैं वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, जो लोग नहीं जानते वो वीडियो में एंड तक बने रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, वीडियो यदि पसंद आए तो सभी तक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और आप लोगों में से भाई जीशु में कौन कौन इंटरेस्टेड है, हमने जब जीशु की प्लेलिस्ट रेडी की थी कमेंट्री स्क्रीन रीडर की, तो उस समय काफ़ी अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट दिया था। तो पहले से और अब जीशु में बहुत अंतर आ चुका है, तो अब तो जीशु पूरा नया हो चुका है। अब आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि जीशु की प्लेलिस्ट दोबारा से चैनल पर आनी चाहिए, तो जितने भी लोग चाहते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, है ना। क्योंकि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम जीशु की प्लेलिस्ट अगेन स्टार्ट करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त विकास चौधरी, चलिए शुरू करते हैं आज किस नए एपिसोड को। आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और जीशु की वीडियोस को लेके आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, है ना। तो हम अपने फ़ोन के टॉक बैक फोन करते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी क्विक सेटिंग में, ठीक है। सबसे पहली बात, आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मैं अभी इस वक्त रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सैमसंग के फ़ोन में भी आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं क्विक सेटिंग को ओपन करते हैं, ठीक है, जिसको रेडमी फ़ोन में बोलता है सिस्टम यूआई प्लगइन्स, ठीक है। हम लोग उसको ओपन करते हैं, सिस्टम यूआई प्लगइन, ठीक है। तो आप अपने सिस्टम यूआई प्लगइन यानी कि क्विक सेटिंग में जाके देखना, फोकस मोड का ऑप्शन आपको कहीं मिलता है क्या, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप ऐड में जाना, ठीक है। रेडमी या फिर शाओमी के फ़ोन के यूज़र हो तो आपको एक ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, उसमें जाना, ठीक है। सैमसंग के फ़ोन में मोर ऑप्शन मिलता है, मोर ऑप्शन के अंदर जाओगे, मोर ऑप्शंस के अंदर आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का, ठीक है। तो उसके अंदर जाके एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको एडिट बटन मिलता है, ठीक है, आपको एडिट में जाना है, ठीक है। और एडिट में जाके और फिर आपको यहाँ पर देखना, आपको एक फोकस मोड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके आगे ऐड का बटन होगा, सिंपल आप उस पर क्लिक कर देना, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो हम यहाँ से बैक करते हैं, ठीक है। अब देखो सिस्टम यूआई प्लगइन्स आप ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद टू फिंगर से स्वाइप लेफ्ट करना, ठीक है, राइट नहीं, लेफ्ट स्वाइप करना। देखो पेज टू ऑफ टू, ठीक है, इसका पेज चेंज हुआ, पेज टू पर आ गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग राइट स्वाइप करते हैं, सेलेक्ट फॉर बैक लेफ्ट राइट सेट एडिट सेलेक्टेड सेलेक्टेड स्क्रीन सेलेक्टेड स्कैन सेलेक्टेड selected dark mode selected dnd selected battery selected ultra selected cat selected focus mode, ठीक है। ये देखो मिल गया हमको selected focus mode, ठीक है। तो अब ये मिल गया, ठीक है। अभी इसका काम क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखो इसका काम ये है, सिंपल, मान लो आप अपना फ़ोन कुछ समय के लिए छोड़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपना फ़ोन किसी को दे रहे हो, है ना, और आपका डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम कर देते हैं, आपके व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, आपके यूट्यूब को यूज़ करते हैं, है ना। तो ये फोकस मोड क्या करेगा, जब भी आप अपने फोकस मोड को ऑन कर दोगे, ठीक है, और जिस भी एप्लीकेशन को आप शेड्यूल कर दोगे, ठीक है, वो एप्लीकेशन डिसेबल हो जाएगा उतने समय के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट कोई भी व्यक्ति उसको फिर यूज़ कर सकता है, आपके आपने मतलब जिस भी एप्लीकेशन को डिसेबल किया होगा, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा तो 5 मिनट उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो फोकस मोड का यही काम है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, बाकी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, और हमने यूट्यूब को ऑलरेडी शेड्यूल पर लगा रखा है। अभी हम इसको डबल टैप टू होल्ड करके ओपन करते हैं, फोकस मोड, ठीक है। तो अब देखो फोकस मोड पूरी तरह से ओपन हुआ, राइट चलते हैं, मोर ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है, पॉप अप विंडो ऑन टॉप, ऐड अ सेंड फीडबैक, ठीक है, फीडबैक सेंड कर सकते हो, ऐड अ क्विक सेटिंग शॉर्टकट, ठीक है, क्विक सेटिंग की शॉर्टकट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बैक करते हैं यहाँ से,
Quote, when you need time to focus, schedule from 9:00 a.m. 12:00 p.m. on weekdays. ठीक है, अब देखो मैंने इसको शेड्यूल करके रखा हुआ है, ठीक है, स्केड्यूल कर रखा है मैंने, ठीक है। तो सुबह के 9 बजे से और रात के 11 बजे तक मतलब ये डिसेबल रहेगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। राइट, चलते हैं। Delete schedule. Schedule deleted. ठीक है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी हमको स्केड्यूल कैसे करना है, ठीक है। बाकी इसकी सेटिंग्स विशेष यहाँ पे कुछ नहीं है, turn off now. Take a break button. ठीक है, यहाँ से आप टेक अ ब्रेक कर सकते हो, 15 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. ठीक है, ये देखो टेक अ ब्रेक है, ठीक है। मैंने जैसे कि कहा रिसेंटली, मान लो आपने डिसेबल कर रखा है और फिर आप यूज़ करना चाहते हो तो 5 मिनट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, एवरी 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं 5 ही रहने दूंगा, तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ और हम राइट चलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स, ठीक है। आप जिस भी एप्लीकेशन को शेड्यूल करना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं व्हाट्सएप को कर लेता हूँ, व्हाट्सएप को मैंने चेक लगाया, ठीक है। स्केड्यूल सेट में जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो वीक टू वीक भी रख सकते हो, दिन दिन टू दिन भी रख सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आज ना हो, कल हो, कल ना हो, परसों हो, परसों ना, है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट इसमें जाओ, ठीक है। PM, PM आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 कर दिया, स्टॉप, ओके, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये 7 AM से 5:00 PM, 5:00 PM तक है, ठीक है। Saturday, set button. ठीक है, सेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये YouTube और ये दोनों चीज़ें एक साथ एक ही टाइम पर सेव हो गई, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को अलग अलग तरीके से करें, ठीक है। अभी हम देखते हैं अपनी होम स्क्रीन पर जाकर, ठीक है। देखो मेरा WhatsApp डिसेबल हो गया, देखो, ठीक है। अब इसको हम क्लिक करते हैं, Android system. देखो क्या दे रहा है, focus mode is on. Focus mode is on. WhatsApp and other distracting apps are paused right now. ठीक है, use app for 5 minutes button. ठीक है, अगर आप यूज फिर भी करना चाहते हो तो 5 मिनट तक आप यूज कर सकते हो, उसके बाद ही अगेन फिर डिसेबल हो जाएगा. Okay, button. ठीक है, ओके कर देंगे, ठीक है. System. तो सेम ऑप्शन YouTube के लिए भी है ना। तो इस तरह से आप इस फोकस मोड का यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग इसको ऑफ करना सीखेंगे, ठीक है। आपके नोटिफिकेशन में भी शो करेगा, देखो। Expanded digital well-being focus mode is on. Take a break. Turn off for now. ठीक है, टर्न ऑफ कर देंगे हम लोग इसको. Selected. ठीक है, अभी ये ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मतलब फोकस मोड को यूज कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करके सपोर्ट जरूर करना। चलिए, मिलेंगे आपको फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन. बाय बाय एंड गुड नाइट.